हाय गाइस, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। चलिए देखते हैं। हम कुकर में पाव भाजी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 700 ग्राम आलू लिए, दो प्याज लिए और ये 70 ग्राम शिमला मिर्च लिए, 50 ग्राम हमने फ्लावर लिया है, ये 30 से 40 ग्राम बीट है और दो टमाटर लिए। इन सबको हम मतलब कि टमाटर को हम ऐसे चार कट देके डायरेक्ट मिक्स कुकर में लगा देंगे और जो बड़े आलू है उनके दो हिस्से कर लेंगे। और बीट है, बीट ऐसा मतलब कि उबलता नहीं है, पकता नहीं है, तो इसके थोड़े बारीक पीस करके डालने के लिए हमने इसके पीस कर लिए। ये पीस भी डाल देंगे। इससे क्या होता है, बच्चे बीट ऐसे भी खाते नहीं है तो इस बहाने से हम बीट बच्चों को खिला देते। और दूसरा क्या होता है कि हमारी जो पाव भाजी उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये जो शिमला मिर्च है उसके अंदर का बीन्स निकाली है और ऐसी शिमला मिर्च हमने कुकर में डाल दी है। 3 से 4 सीटी लेकर हम ये सब चीज़ें बॉईल कर लेंगे। बहुत सिंपल पाव भाजी का तरीका है ये और बहुत टेस्टी भी लगती है। इस तरह से मैं कुकर लगा लूँगी। प्याज छोटा है उसको वैसे नहीं दूंगी, बड़ा है उसके दो पीस कर लूँगी। आपके यहाँ कम इंसान हो तो आप कम आलू ले सकते हो। और दो हरी मिर्च डाल दी इसमें। ऐसे इस तरह से हम कुकर लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 3 सीटी। और रहा सॉरी, आलू के छिलके पहले उतार लिए मैंने, मतलब कि ये सब जब मैश करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। कुकर खोल लेते हैं। कुकर लगा दिया था हमने, तो इसमें से भी हम जो टमाटर है उनके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से हमने टमाटर के और शिमला मिर्च के छिलके निकाल लिए हैं। अभी हम ये जो सब्जी है जो हमने सब कुकर में लगाई थी इनको मैश कर लेंगे, सब सब्जी को एक साथ में। इस तरह से हमने सब्जी मैश कर लिए। इसके बाद हम मिर्ची लिए मैंने लाल, जो हमारी हरी मिर्च होती है जो लाल हुई है वो मिर्च लिए, अदरक और लहसुन, थोड़ा ज़्यादा लहसुन लिया है। अभी इसको हम बारीक पीस लेंगे। इस तरह से हमने ये मसाला पीस लिया है। पैन रख दिया है। तीन टेबलस्पून तेल डाल दिया है। एक टेबलस्पून के बराबर से घी डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है पाव भाजी में इसकी वजह से। गरम होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। इसमें आधी टीस्पून के बराबर से हम जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकल होता है। तीन मीडियम साइज के प्याज लिए थे मैंने, ये बारीक काट लिए, ये इसमें डाल देते हैं। इनको सॉफ्ट होने देते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अभी जो ग्रीन पीज है जो फ्रेश है ये हम इसमें डाल देंगे। उनको ढक्कन लगा के हम सॉफ्ट कर लेंगे। ना मैंने फ्रोजन ग्रीन पीज इस्तेमाल किए,
नापे हुए ही उबाले हुए, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है जब हम इसे ग्रीन पीस इस्तेमाल करते हैं। तो गैस थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने, मतलब कि ग्रीन पीस जल्दी से फूट जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देख सकते हो भाप आ चुकी है सब तरफ से, मतलब कि हमारे ग्रीन पीस अभी फूटने लगे अंदर से। ये देखिए, ये इसको बस एक दो बार फूटते तो ये पक जाते हैं। अभी हम गैस कम कर लेंगे और जो मसाला हमने पीस लिया है ये मसाला ऐड कर देंगे। इसकी अच्छे से हम इसको पकाएंगे गैस मतलब कि धीमी गैस पे और ढक्कन लगा के। इसमें थोड़ा ये अदरक लहसुन धो के मैंने पानी डाल दिया है, इसको चला लेंगे थोड़ा देर और इसको ढक्कन लगा के इसका पानी सूखने देंगे। फिर हमारे ड्राई मसाले हम इसमें डालेंगे। गैस थोड़ा बड़ा कर दूंगी मैं, ढक्कन खोल के देखते हैं। पानी हमारा बहुत सा सूख चुका है, छूट चुका है। तभी हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर डाल के चलाएंगे, गैस थोड़ा सा थोड़ा बड़ा ही रखा है हमने। इसमें हम ड्राई मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च है ये लिए मैंने, 3 टेबल स्पून डाल दूँगी। और जो हमारा घर में का गरम मसाला होता है वो 1.5 टीस्पून डाल दिया। और ये जो पाव भाजी वाला मसाला है जो मैंने बना के रखा है वो मैं अभी 3 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इनको भून लेते हैं इसी मसाले के साथ। इस तरह से आप जरूर पाव भाजी बनाइए, आप देखेंगे बहुत अच्छी पाव भाजी लगती है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है हमारे मसाले का। पानी सब सूख चुका है और मसाला भुन गया है हमारा। अब इसमें हमने जो सब्जी उबाल के रखी थी वो सब्जी ऐड कर देंगे। गैस कम कर देती हूँ, आप अच्छी खुशबू आ रही है पाव भाजी की, मतलब कि मसाले के हमारे। ये 3 से 4 लोगों के लिए, मतलब कि एक दिन क्या दूसरे दिन भी हम खा सकते हैं। इसको धीमी आंच पे हम चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा, वैसे तो सच में ये जो पाव भाजी होती है वो एक बड़े से तवे पे बनानी चाहिए, लेकिन घर पे तो हमारे पास इतना बड़ा तवा नहीं होता है, तो हम फ्लैट जो भी हमारे पास पैन है उसमें हम बनाते हैं। इसमें पानी डाल दिया है मैंने, अब इसको हम थोड़ा देर नमक डाल देंगे और थोड़ा देर पकने देंगे मसाले के साथ। नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से और इसको मिलाते हुए हम उबाल आने देंगे। इस तरह से हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। बस इसमें अभी हम ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी का मसाला ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे, जो कि अच्छे सा स्मेल और टेस्ट देगा।
छोटा सा पैन ले लिया है मैंने, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। एक टेबलस्पून के बराबर से घी डाल दिया मैंने। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर से, और 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर से पाव भाजी मसाला डाल दिया मैंने। इसको अब हम पाव भाजी को जो हमने बना के रखी है उसे डाल देंगे, और हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा कलर आया है पाव भाजी का, आप देख सकते हो। बस अब इसको एक बार थोड़ा सा ढककर हम एक उबाल आने देते हैं। हमारी पाव भाजी लगभग तैयार हो चुकी है। आप इतनी कंसिस्टेंसी बराबर है, आप चाहे तो इससे और थोड़ी सी पतली कर सकते हो। गैस बड़ा कर दूंगी और इसको एक उबाल आने दूंगी। बहुत अच्छा कलर आया है, और हमने जब अभी बाद में जो छौंका दिया इसकी वजह से तो और ज़्यादा टेस्ट में, मतलब कि बढ़िया स्मेल आ रही है। तो इसको मैं भी दूसरी तरफ रख दूंगी, और अभी हम ब्रेड सेक लेते हैं। ब्रेड के लिए पैन रख दिया है गर्म करने के लिए, गैस बड़ा कर देती हूँ थोड़ा देर। ब्रेड को बीच में से कट दे देते हैं। इस तरह से शक्कर डाल देते, इसमें हम थोड़ी सी सब्जी डाल देंगे हमारी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ी सी, पाव को डिप कर देंगे। इसको दूसरी तरफ से भी पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे, गैस बंद कर देते हैं। प्लेट में सब्जी ले लेंगे। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, आप जरूर आइए खाने के लिए। बटर डाल देंगे हम, बस थोड़ा सा धनिया। हमारी पाव भाजी आप देख सकते हो, बहुत जल्दी बनने वाली कुकर में। आपने मेरी पाव भाजी की रेसिपी देखी, आप जरूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।